अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। कोयल भी आ गई। और आज हम अपने रिंगनेक को लेके आए हैं बाहर फ्री फ्लाई देने के लिए, क्योंकि तकरीबन कम से कम एक महीना हो गया इनको बाहर नहीं छोड़ा। घर से 3-4 दफ़ा फ्लाई करवा ली है और मुझे थोड़ा सा डर है कि अब घर के पक्के ना हो जाएं। यानी कि आपको पता है कि पहले जब भी ये उड़ते थे माशाल्लाह से सीधा हाथ के ऊपर आते थे, जहाँ भी छोड़ना दूर नहीं जाते थे। लेकिन दो से तीन दफ़ा गालबन मैंने इनको घर के ऊपर से उड़ाया, तो घर के भी इनको थोड़ा सा पता चला है, ठीक है। और आज वही ट्राई लेने आए हैं कि देखते हैं घर जाते हैं या मेरे पास ही रुकते हैं। काफ़ी डेज़ के बाद ये निकलने को तैयार हैं, ठीक है। और खोल देते हैं जनाब, वक्त ज़ाया किए बगैर। वैसे तो आजकल आपको पता है बड़े केज में ही होते हैं, यहाँ पे सिर्फ फ्री फ्लाइट देने के लिए इस केज में इनको लेके आते हैं। और साथ हमारे शाह साहब भी हैं, बस खुल जाना इसने खुद ही। जरा थोड़ा सा ओपन कर दे, बल्कि मेरे ख्याल में नीचे से कुंडी लगी है शायद। वो जो तार है ना, ये वाली नहीं, ये तार यार, ये देखो छोड़ो। अच्छा, ये अच्छा जी, ये जनाब हमारे मिठूस आ गए हैं बाहर और फुल तैयारी में। ये देखें, थोड़ा सा इनको लालच देना पड़ता है क्योंकि आजकल हो गए हैं थोड़े से नखरेलू। इनको फिर आइडिया होता है कि खाना है इनके पास और फेवरेट। ये देखें माशाल्लाह से, अभी इनको छोड़ते हैं दोनों को इकट्ठा ही और देखते हैं क्या करते हैं आज। थोड़े से ख़त्म कर लें अपने। ये देखें इनमें मेरे ख्याल में फीमेल, उसको अब पता चल गया कि इसमें हैं। और जनाब वहीं पे वो देखें एक नीचे, और ये देखें ये आ रहा है माशाल्लाह से, और सीधा केज के ऊपर है। तो जनाब अभी चक्कर के बगैर ये देखें दोनों ही मेरे हैं यार। उसको छुपा, चल निकल। और ये गया एक, ये भी गया पीछे। सांस आए, उड़े काफी देर टाइम के बाद है ये, शोल्डर के ऊपर सीधे आ गए हैं। और ये देखे जनाब, इस टाइम कह रहे हैं कि हमें सनफ्लावर के सीड्स दिए ना, ना इन्हों ना कड़क वारी। ये जिन्नी देर तक 2-4 चक्कर लगानगे नहीं, इन्हों नहीं कोई चीज देनी। बेटा उड़ोगे तो फिर कुछ मिलेगा। ये देख, तो माशाल्लाह से देखें कहीं नहीं गए हैं। हालांकि मुझे थोड़ा सा डाउट इनका हो गया था कि शायद के घर का आदि ना हो जाएं ये छतों पे बैठने के, लेकिन माशाल्लाह से ये आज लेके आए हैं काफ़ी डेज़ के बाद यहाँ कॉलोनी में। और माशाल्लाह से देखेंगे, हाँ खिला दो इनको। ये मेरे ख्याल में है, और ये जो इंशाल्लाह अपना अलेक्जेंडर रा भी बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत उस पर भी उम्मीद है, इंशाल्लाह करेंगे। और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है उसका, और कुछ डेज़ में तकरीबन वो जंपिंग स्टार्ट कर देगा, 2 से 3 डेज़ में। और जब जंपिंग स्टार्ट करेगा
उसके बाद फिर हम उसको बाहर फ्लाइंग के लिए स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी जंपिंग उड़ नहीं सकता थोड़ा। जब उड़ना शुरू कर दिया तो इंशाल्लाह फिर आपको उसकी भी फ्री फ्लाइट दिखाएंगे। और साथ रिंग नेक भी हैं बच्चे, लेकिन रिंग नेक का अभी इतना अच्छा रिस्पांस नहीं है, एक का थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस है और एक का नहीं है, और देखते हैं क्या बनता है उन दोनों का। कोयल बोल रही है, कोयल्स भी है, ये माइग्रेटरी बर्ड है, अभी आना शुरू हो गई है पाकिस्तान इंडिया में माइग्रेशन करके, और अब करेंगी ये कि जनाब कौवों के अंडे तोड़ के अपने अंडे वहाँ उतार देंगी और कौवे इनके बच्चे पालेंगे, अंडे निकाल के इनके बच्चे कौवे बड़े करेंगे। और ये इनकी फितरी अमल है, जो कोयल अपना नेस्ट नहीं बनाती, वो कौवों के नेस्ट में या कुछ और चिड़िया स्पैरोज़ होगी जो बड़ी, उनके अंडे तोड़ के तो वहाँ अपने अंडे उतार देती हैं और फिर दूसरे बर्ड इनके बच्चे पालते हैं। बहुत ही अजीब व गरीब ये इनकी कहानी है और हकीकत है ये। इंशाल्लाह कोयल का बच्चा भी मिला तो वो भी फ्लाई टेम करेंगे हम। चलो यार कोई दो एक चक्कर, हम लोग सिर्फ आपको चक्कर आपके देखने के लिए आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लगाते हो तो फिर मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा राउंड राउंड घूम के दिखा दो और आ जाओ, आ जाओ। बहुत ही ढीठ हड्डी के बन गए ये देखें दोनों ही। चलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो निकलो, ये गेरा तो है जनाब यार। देखें माशाल्लाह से इसको मैं थोड़ा सा दूर लेके जाता हूँ केज वगैरह से, उस एरिया से, ठीक है। और फिर ये मेरे ख्याल में फ़ीमेल है और दूसरे वाला शायद मेल बने, लेकिन ये कंफर्म फीमेल है। आजा आजा आजा, तुझे थोड़ा सा दूर जाके मैं छोड़ूंगा। ये देख, ये देख माशाल्लाह से, अभी ये सीड्स देख रही है, ये देखें। अब यहाँ से इसको मैं कॉलिंग करके बुलाऊंगा अपनी तरफ, ठीक है। आ जा, एक तो विसल मैंने दो बना ली हैं वैसे जो बुलेट्स की थी, ये देखें जी, क्योंकि अभी मेरी विसल निकल नहीं रही है, होंठ खुश्क है रोज़े की वजह से, गला खुश्क है, ये देखें जी। चले जी, मेरे ख्याल में आज सिर्फ इनको ट्राइज देने ही आए थे यहाँ पे कि जनाब करते क्या हैं, भागते हैं घर की तरफ। ओए मोबाइल मोबाइल नहीं, मोबाइल नहीं, या फिर यहीं पे रुकते हैं और देखें कहीं नहीं गए माशाल्लाह से। दूसरे वाला केज में वो देखें उसकी ट्राई शाह साहब ले रहे हैं। दरअसल हेल्पर एक बंदे का होना चाहिए अभी सीज़न में, इसीलिए मेरे ख्याल में इतना बर्ड है ना, बर्ड्स का सही से कोई ट्रेनिंग या वीडियोस नहीं बन पा रही। वो देखें जी इनके हेड के ऊपर बैठा है, बटन नहीं मेरा खाना, बटन नहीं खाना। वो देखें जी, अब इनको ज़रा मानूस किया शाह साहब के साथ भी ताकि उनको भी पहचान सकें। फिलहाल तो अभी यार तो भूखा है, आ जाए था। चलें जी ओके करते हैं, ये देखें, अल्लाह हाफिज़।